तो आपने कितनी स्प्रे लगा दी इसमें? बैटरी लगाई। कितनी लगा दी फिर भी? 5-7। कितना खर्चा आ चुका होगा इसके इतने लगाने? पता नहीं खर्चा तो। इसका रेट कितना होता धान का? 2700। तो अभी ये मतलब पका हुआ है तो कब तक कटवाओगे इसके लिए? मौसम खुलने के बाद काटेगा ये। तो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत यूनिक होने वाला है। तो गाइज आज बिकॉज यूनिक इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम अपने गांव से बाहर निकलकर अपने खेतों की तरफ आ गए जहां पर हमने ये धान है ये हमारे खेतों के नजदीक ये मतलब हम खेतों की तरफ आए तो फिलहाल ये हमारा खेत नहीं है। तो ये 16 बॉन्ड पे धान लगा हुआ है जिसका MRP रेट प्रति क्विंटल की मतलब 3000 से 3500 रुपए तक के बताते हैं। तो उसी चक्कर में इन भाई ने भी लगा लिया था 16 बॉन्ड पे खेत मतलब धान। तो अब इनके इनका खेत दिखाते हैं आपके लिए किस तरह से इन्होंने अपना खेत का हिसाब किताब बनाया है और कितना अच्छा इनका खेत है। चलिए दिखाते हैं बैक कैमरे से आपको। गाइस अब हम आपके लिए दिखाते हैं कि जो पास में मतलब जस्ट रोड की ये रोड है और इस रोड के जस्ट इस पार है इनका मतलब दूसरा ये सरदार जी का खेत है और जस्ट इस पार में ये इन भाई का खेत है। तो आपके लिए दिखाते हैं इन भाई का हाल कि इनके खेत का हाल क्या हो गया है। तो चलिए दिखाते हैं। अब भाई साहब आप ये की बात बताइए जब आपने ये धान लगाया था तो उस टाइम आपने क्या सोचा था? अरे हमने ये सोचा था मतलब जो है इसके रेट बढ़िया है और हमारी जमीन थोड़ी ऊंची है मोटा धान लगाते हैं तो धान मतलब आगे जा जाता है। अच्छा अब इस टाइम ये आप इसका धान का खेत देखिए भाई ये देखिए बाली आपको दिखती होगी भाई ये 70% धान है जो मतलब इस खेत में 25% धान है जो इसकी हवा निकल चुकी है मतलब बाली खड़ी हो गई। अब आपको दिखती भी होगी मैं चलो नीचे से दिखाता हूँ बिल्कुल फ्रंट नीचे से जैसे कि ये देख रहे हैं आपके लिए मतलब जहां तहां पर अधिकतर आप देखिए खेत में पानी क्योंकि पानी हो रहा था 3-4 दिन से लगातार पानी बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये खेत में पानी है। ना तो मैं अंदर दिखाता पर आप लोग ये कैमरे में शायद भले ना दिखता हो लेकिन इस खेत में 25% धान ऐसा है जिसकी बाली खड़ी हो गई है और ये धान का नाम है 16 बॉन्बे। इसका रेट होता है 3000 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल। तो इन भाई ने इस खेत में ये सरदार जी का खेत है अब इस खेत की मतलब देखभाल करके इनने अपने खेत में भी यही लगाया था। तो आपके लिए इसकी मतलब जानकारी किसने दी कि आप भी हमारी तरफ से ये धान लगाइए? आपने बेड़ कब डाली इसकी मतलब कैसा क्या इसे तैयार किया है जो आपका खेत इस तरह है? फिलहाल आपने इसकी मतलब शरीकत करना सोची लेकिन वो हो नहीं पाया तो अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारी मतलब ऐसा है जैसे ये सरदार जी का खेत है यहाँ पर। अच्छा ये देख रहे हैं आप तो कितना बढ़िया खेत है बहुत बढ़िया है और ये पक भी चुका है पूरा मतलब अब ये कटने के लायक बिल्कुल तैयार हो चुका है पर यहाँ पर अभी मशीन नहीं आ सकती जिसकी वजह से ये भी खड़ा हुआ है। तो बताइए हमारी ऑडियंस के लिए खेत है सरदार जी का यहाँ। अच्छा तो सरदार जी बोले ऐसा है तुम्हारा खेत वही है और हमारा खेत वही है तो ऐसा करो वो धान जो हमारा धान जो लगा हुआ इसमें ही बाली मतलब समझ पड़ गई बाली बहुत बाली से पड़ी फिलहाल इसमें है पड़ी हुई लेकिन थोड़ी आपके खेत से कुछ कम है मतलब क्योंकि आपके खेत में कुछ ज्यादा है। अब शायद ये पानी की दिक्कत तो नहीं थी भाई? पानी दिक्कत नहीं थी पानी बहुत लगा था। तो आपने ये कई बीघा खेत है आपका? ये खेत है 6 बीघा। 6 बीघा आपने कितनी लगा दी इसमें? पानी लगा दिया हमने 4-5 लगा दिया। तो गाइस जिसके आपको मतलब हम बता रहे थे सरदार जी के तो ये सरदार जी भी आ चुके हैं यहाँ पर खेत देखने के लिए। सरदार जी भी आ गए हैं। तो सर आप बताइए इनके खेत में और आपके खेत में मतलब कितना कंपेरिजन इनका खेत का मतलब सिस्टम है जो काफी ज्यादा बाली जो मतलब सफेद हो चुकी है और निकल चुकी है ऊपर के लिए और आपके खेत का मतलब सीन बहुत बढ़िया है और बिल्कुल पक भी गया है तो क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? एकदम बाली सफेद हो गई नहीं तो आपने कितनी स्प्रे लगा दी इसमें? बैटरी लगाई। कितनी लगा दी फिर भी? 5-7। कितना खर्चा आ चुका होगा इस खेत में लगाने? इसका रेट कितना होता धान का? 2700। तो अभी ये मतलब पका हुआ है तो कब तक कटवाओगे इसके लिए? मौसम खुलने के बाद काटेगा। तो फाइनली गाइस हमने सरदार जी से भी बात कर ली है क्योंकि टाइम पर ही सरदार जी भी आ गए थे अपना खेत देखने के लिए और ये भाई भी आए थे अपना खेत देखने के लिए। तो सरदार जी से भी बात की है कि ये खेत अभी भी 2-4 दिन के बाद जब इसका पानी सूख जाएगा तब यहाँ पर मशीन आएगी ये खेत कटेगा और इन भाई का भी खेत उसी के साथ ही कटेगा क्योंकि इनके साथ ही ये खेत कट सकता है। तो सरदार जी से भी बात की तो सरदार जी बोल रहे हैं कि इस खेत के मतलब प्रेजेंट में जो अभी टाइम चल रहा है इसका रेट 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कट रहा है। तो गाइस इसमें हिसाब मतलब अगर वैसे कंपेरिजन किया जाए तो इनके खेत का अगर 5 क्विंटल कटेगा एक प्रति क्विंटल बीघा 5 क्विंटल तो इनका कटेगा 3 क्विंटल प्रति बीघा क्योंकि इतना फर्क है इस खेत में। गाइस पानी की भी कोई दिक्कत नहीं थी इस खेत में और इस खेत में भी पानी की कोई दिक्कत नहीं थी पानी भरपूर मिला पर पता नहीं क्या किस्मत में पड़ गए कांटे जिसमें इनका खेत हो गया बढ़िया और इनका हो गया बेकार। तो फाइनली गाइस खेत को देख कर अभी खेतों की मेड़ो जा रहे हैं सीधे मतलब घर की तरफ और ये भाई हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं अपना खेत का हिसाब किताब देख कर इनके खेत में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ गई है। और क्या बताएं गाइस जो भी था आपके लिए दिखाई दिया है वीडियो में जो कुछ भी था अभी इनसे और भी बातचीत करते हैं कि मतलब कहां से इनसे थोड़ी गलती हुई जिसकी वजह से इनका खेत में ये हाल हो गया है।
और थोड़ा भी निकल लेते हैं यहाँ पर, जो तालाब है ना इसकी वजह से थोड़ा मेड़े भी थोड़ी पतली है और पानी भी हो गया, क्योंकि दो दिन से पानी बरस रहा है ना लगातार, इसलिए यहाँ पर पानी पानी हो गया। अगर पैर फिसल गया तो तालाब में ही गिरेंगे जाके। तो फाइनली गाइस ये तालाब है ना, इसमें सिंगाड़े पड़े हुए हैं, अभी सिंगाड़ा लगा हुआ कोई भी नहीं, हमने देख लिया फिलहाल उठा के, अगर लगे हुए होते तो तोड़ते एक का और खाते भी। तो अब फिलहाल तालाब की साइड से तो निकल गए, अभी रोड है बहुत पतला पतला, इससे चलते हैं अगले के लिए और फिर देखते हैं क्या है व्यू यहाँ का। और फिर इन भाई से पूछते हैं कि इनसे कहाँ से थोड़ी मिस्टेक हुई जो इनके खेत का ये हाल हो गया है। और बाकी सभी तो खेत अभी पक ही चुके हैं, तो 100% तो नहीं गाइस, 25% पके हैं, अभी कम से कम 15 दिन लग जाएगा सारे खेत पकने में, फिर ये कटेंगे, फिर गेहूं बोएंगे, फिर गेहूं कटेंगे, फिर धान लगेगा, दिखाते हैं, यही होता रहता है। गाइस अब आ पाए हम बिल्कुल ठीक वाले रोड पर, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, अभी शाम का टाइम है, सनराइज भी होने वाला है थोड़ी देर के बाद, और बहुत ही अच्छा बहुत यूनिक लग रहा है। तो भाई अब बताइए आपसे थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ पर हुई जो आपके धान का हाल इस तरह से हो गया, बताइए हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि अगर आपने भी 16 पाउंड में खेत लगाया है तो क्या आपका भी धान इसी तरह से है, आपका धान जैसा भी है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो बताइए भाई आपका क्या भाई ऐसा हुआ था, जब धान निकल लिया था तो अच्छा। बारिश हो रही थी, जब बारिश हो रही थी बारिश जरिया से जब हवा देके बारिश हुई थी, उस जरिया से बाली मतलब जो है सफेद पड़ी, जब उसका फूल ले लिया उसमें नुकसान तो होना ही होना, वैसे धान कोई कमी नहीं है, पूरी लागत लगाई हमने, कोई कमी नहीं रखी लागत में। तो आपने खाद कितनी लगा दी इस धान में? खाद हमने लगाई थी 3 खाद। अच्छा, तो अभी इस टाइम अभी जो महीना चल रहा है सितंबर का, अभी डेट हो गई है 15-16 सितंबर हो गई है, तो आप ये बताइए मतलब इस महीने में जो PR 13 धान लगा हुआ है ना, उस धान में ज्यादा से ज्यादा शिकायत आ रही है भुनगा और गंधिया की, गलन सड़न की, क्या आपके खेत में यही बीमारी थी लगी हुई क्या? नहीं जी नहीं जी, मतलब ये खेत तो ऊंचा है, सिवाय खेत है इसमें कोई बीमारी होने लगने से, पानी होता ही नहीं खेत में। अच्छा, तो मतलब ये रीजन है आपके धान का सफेद पड़ने का कारण, यही है ना? मतलब इनका भाई के धान निकल रहा था उस टाइम बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, और जिसकी वजह से हवा भी चल रही थी, तो जो धान में सफेद सफेद व्हाइट लग रहा है जो फूल आता है वो फूल हिल गया था, जिसके कारण इनका धान नुकसान हो गया। वैसे दवा तो उन्होंने भरपूर लगाई थी, पानी भी भरपूर लगाया, वैसे ऊंचा खेत है पानी तो ज्यादा से ज्यादा लगाया इनके खेत में, और बारिश भी अब की साल कम हुई है, अब जरूर बारिश होना स्टार्ट हुई है, पहले तो बहुत खराब थी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं इसी तरीके की नई यूनिक वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।